बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम जो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक हमने जो है ना पूरा कम्प्लीट पढ़ लिया था। अब जो है हम टेक्सोनॉमिक लेवल जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टेक्सोनॉमिक लेवल जो है, देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज़ रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो है ना एक और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो अब जो है ना पहले वो भी मैं आपको एक पेज पर बनाकर बता देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद जो है ना हम उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे। तो टेक्सोनॉमिक लेवल में हमारे पास जो फर्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास आता है स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है ना लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, जो है ना एक ही जगह पर रह रहे हों और जो है ना अपनी जनरेशन जो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। ये जो है ना बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक यूनिट जो है ना वो स्पीशीज़ ही होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, ह्यूमन भी जो है ना वो एक स्पीशीज़ है, तो कैट भी एक स्पीशीज़ है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हो गए। ह्यूमन जो है ना वो इंसानों का एक स्पीशीज़ हो गया, ऐसे ही कैट जो है वो कैट्स का एक स्पीशीज़ हो गया। ऐसे ही हम डॉग उठाएंगे तो वो कैट से डिफरेंट स्पीशीज़ है, क्योंकि वो जो है ना डॉग्स का अलग स्पीशीज़ हो गया। ऐसे ही बफेलो, ये डिफरेंट डिफरेंट आप उठाएंगे तो ये सारे क्या हैं, स्पीशीज़ हैं। अब जब सिमिलर स्पीशीज़ आपस में मिल जाते हैं, तो जब सेम स्पीशीज़ का ग्रुप आपस में मिलता है तो वो मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, जब स्पीशीज़ सिमिलर स्पीशीज़ जब आपस में ग्रुप की सूरत में होंगे तो हम उसे कहेंगे पॉपुलेशन। जैसे कि ग्रुप ऑफ पैरट्स जो है हमारे पास, ग्रुप ऑफ पैरट्स ऑन द ट्री। अब किसी ट्री के ऊपर जो है ना पैरट्स का एक ग्रुप है, मीन्स तोते जो हैं उनका एक ग्रुप है। तो अब पैरट जो है ना एक ही स्पीशीज़ है और जो उनका ग्रुप है बहुत सारे तोते हैं, तो वो सारे क्या हैं, सिमिलर स्पीशीज़ हैं। तो जब ये सारे सिमिलर स्पीशीज़ जो है ना कंबाइन होकर एक ग्रुप की शक्ल में आएंगे, तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। मीन्स पॉपुलेशन में जो है ना किसी भी स्पीशीज़ का सेम ग्रुप होगा। जैसे कि बफेलोस हैं, अगर बफेलोस का पूरा झुंड हम मिलाएंगे तो उनको हम कहेंगे पॉपुलेशन। लेकिन अगर बफेलोस के बीच में बकरियां भी आ जाएंगी तो वो जो है ना सिमिलर नहीं रहेगा, क्योंकि उनके बीच में बकरी जो है ना वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ है। तो जब हम यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसमें जो है ना सेम का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ सिमिलर जो स्पीशीज़ होंगे वो ही मिलकर बनाएंगे पॉपुलेशन। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलेंगी, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है ना वो आपस में मिलेंगी तो वो मिलकर बनाएंगी कम्युनिटी। ठीक है, तो डिफरेंट जब पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी तो वो मिलकर बनाएंगी कम्युनिटी। जैसे मैंने बताया कि बफेलोज़ का अगर जो ग्रुप है सिर्फ बफेलोज़ हैं उसमें, तो वो हम कहेंगे कि वो पॉपुलेशन है। लेकिन अगर बफेलोज़ के साथ एक झुंड बकरियों का भी उनके साथ शामिल है, क्यों एक, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई। एक पॉपुलेशन हमारे पास हो गई बफेलोज़ की, तो दूसरी पॉपुलेशन हमारे पास हो गई बकरियों की। जब ये हम इन दोनों को मिलाकर हम डिस्कस करेंगे, उनकी बात करेंगे, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, कम्युनिटी है। ये अब पॉपुलेशन नहीं रही, ये कम्युनिटी बन गई, क्योंकि इनमें जो है ना डिफरेंट पॉपुलेशन जो है ना वो आ गई, तो ये बन गई कम्युनिटी। या जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ग्रुप ऑफ पैरट्स, तो ग्रुप ऑफ पैरट्स जो है वो तो पॉपुलेशन है, लेकिन अगर ये उनके साथ कोई और भी बर्ड्स मौजूद हैं तो वो अब क्या बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी। ऐसे ही अब कम्युनिटी में जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। अब जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ हम नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐड करेंगे, तो कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट या नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये मिलकर बनाएंगे हमारे पास इकोलॉजी। ये मिलकर हमारे पास बनाएंगे
इकोलॉजी या हम कहेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, तो कम्युनिटी, अब कम्युनिटी में जो है ना लिविंग ही थे, मीन्स डिफरेंट पॉपुलेशन जो थी वो आपस में मिली थी, तो उन्होंने मिलकर बनाया था कम्युनिटी। अब कम्युनिटी विथ इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट या नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हो गया ना, अब ग्रुप ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, तो वो ट्री के ऊपर रह रहे हैं। अब ट्री और उसके अलावा जो है ना ऑक्सीजन वगैरह गैसेस वगैरह एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं, टेम्परेचर आ गया, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं? अब ये तो नॉन लिविंग है ना, तो ये किसी ना किसी तरह से उन पे पर भी डिपेंड करते हैं, वो नहीं होंगे तो ये तो जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो कम्युनिटी विथ इट्स नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो है ना, तो वो मिलकर बनाएंगे आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या आएंगे, तो इकोसिस्टम में आपके पास आएंगे लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, आपके पास इकोसिस्टम आएंगे। अब इकोसिस्टम या इकोलॉजी, ये डिफरेंट इकोसिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं हमारे पास बायोस्फीयर। ठीक है, अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर हम कहते हैं कि द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, लाइफ अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पर लाइफ मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो हम दोबारा से रिकॉल कर देते हैं, स्पीशीज कोई भी एक स्पेशीज आप उठाएं तो उसका हम स्पेशीज कहेंगे। जैसे अगर जो आप सिर्फ एक पैरट की बात करें तो वो एक अलग स्पेशीज है, बफेलो की बात करें तो वो एक अलग स्पेशीज है, ह्यूमन की बात करेंगे तो वो एक अलग स्पेशीज है। अब अगर ये एक ही स्पेशीज का पूरा झुंड हो, पूरा ग्रुप हो सेम स्पेशीज का, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। जैसे ग्रुप ऑफ पैरट्स, अब ग्रुप ऑफ पैरट्स जो है वो पॉपुलेशन में आएगा, या ग्रुप ऑफ बफेलोज जो है वो भी आपकी पॉपुलेशन में आएगा। लेकिन अगर जो उनके साथ एक और ग्रुप भी आ जाए, जैसे बफेलोज के साथ अगर जो आपका बकरियों का झुंड भी आ जाए, तब दो पॉपुलेशंस हो गई। तो डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में मिलेंगी तो वो मिलकर बनाएंगे आपके पास कम्युनिटी। और कम्युनिटी अगर जो उसके नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ उसका इंट्रेक्शन होगा, तो वो मिलकर बनाएंगे इकोसिस्टम। अब जब डिफरेंट इकोसिस्टम्स आपस में मिल जाएंगे तो वो मिलकर बनाएंगे बायोस्फीयर। तो ये जो था हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, अब हम इसको जो है ना थ्योरेटिकल वे में जो है ना पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकल वे में आपको ये कैसे पढ़ना है। तो टैक्सोनॉमिक लेवल, देर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो है ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक और टाइप है जिसे हम टेक्सोनॉमिक लेवल कहते हैं। द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक लेवल। अब स्पीशीज जो है टेक्सोनॉमिक लेवल का स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो जो है मॉर्फोलॉजिकली मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिहाज से जो ना सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, व्हिच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो कि इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफ स्क्रीन ऑफ स्प्रिंग्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल क्या है? तो पॉपुलेशन लेवल जो है ना वो है हमारे पास कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। अब एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो किसी अगर हैबिटेट में किसी जगह रह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स लिविंग ऑन ट्री, तो अब जो ग्रुप ऑफ पेरेंट्स है ट्री के ऊपर रह रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेरेंट पॉपुलेशन। वो जो है ना पेरेंट्स की जो है पॉपुलेशन है। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी लेवल। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अब जो है डिफरेंट स्पीशीज जो है ना वो अगर किसी खास जगह एक ही जगह एक जगह रह रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी। अब डिफरेंट बर्ड्स जो हैं वो एक ट्री पर रह रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? बर्ड कम्युनिटी कहेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। अब इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या होगा? कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। कम्युनिटीज जो होती हैं वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे के ऊपर डिपेंड करती हैं इन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेंड फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब जो ऑक्सीजन है वो हम इन्वायरमेंट से ऑब्टेंड करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एंड इन टर्न गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हम इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। अब ये जो इंटरेक्शन है लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, या हम इसको इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं।
उसके बाद आपका जाता है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब लाइफ का कोई भी ऐसा, अर्थ का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे तो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। ये जो है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स से मिलकर जो है ना बायोस्फीयर लेवल बनता है। तो जब डिफरेंट इकोसिस्टम आपस में कंबाइन होंगे तो वो मिलकर बनाएंगे आपके पास बायोस्फीयर। तो ये जो था हमारे पास टैक्सोनॉमिक लेवल, यहाँ पर जो है ना कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।